हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सी बुनाई है। इस पैटर्न को बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स। बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल प्लस 9 प्लस 2 करके फंदे लेने होंगे। सबसे पहले आप 18 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 18, फिर से 18 करते करते 9 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं, जो कि हमने डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए लेने हैं। और लास्ट में आके हमने 2 फंदे और एक्स्ट्रा लेने हैं, जो कि हमारे एज के लिए फंदे होंगे। एक फंदा इधर का और एक फंदा इधर का। तो यहाँ नीडल पे मेरे 27 फंदे हैं, 18 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं, 9 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे हमारे एज के हैं। तो टोटल हमारे 27 फंदे हैं नीडल पे। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, सीधी तरफ से शुरू होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले एज के फंदे को स्लिप करेंगे, यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं, 1, 2, 3। फिर से हम 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को एक साथ ऐसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इन्हीं 3 फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। ऐसा हमने 3 बार करना है। 2 बार हम बुन चुके हैं। फिर से हम 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इन्हीं 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे हमने 3 बार 3 फंदों से 3 फंदे बनाए हैं। टोटल हमारे 9 फंदे हो गए हैं। अब आगे के 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एच के फंदों को छोड़ के इन्हीं 18 फंदों को हमने पूरी रो में दोहराना है। फिर से हमने 3 बार 3 फंदों से 3 फंदे बनाने हैं। पहले 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इन्हीं 3 फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे बन गए हैं। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से हमने 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेना है और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इन्हीं 3 फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, फिर पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। लास्ट में हम एच के फंदे को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकेंड रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू हो रहा है। एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे। ऐसा हमने 2 बार बनाना है। 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है।
धागे को ऐसे लपेटेंगे, दो फंदे हो गए, फिर से इन्हीं तीन फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे बन गए हैं, बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से हमने तीन फंदों को एक साथ ऐसे लेना है और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है, धागे को ऐसे लपेटेंगे, दो फंदे हो गए, फिर से नहीं तीन फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे हो गए हैं, बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम दो बार बुनेंगे, फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो। तो एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक हमने नौ फंदे बुन लिए हैं, एक फंदा सीधा बुना है, फिर तीन फंदों से तीन फंदे बनाए हैं, फिर से हमने तीन फंदों से तीन फंदे बनाए हैं और दो फंदे हमने सीधे बुने हैं। बीच में हम नौ फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 18 फंदों में एक डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, तीन फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है, धागा ऐसे लपेटेंगे, दो फंदे हो गए, फिर से नहीं तीन फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे तीन फंदों से तीन फंदे बन गए हैं, बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से हमने यही करना है, तीन फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है, धागे को ऐसे लपेटेंगे, दो फंदे हो गए, फिर से हम इन्हीं तीन फंदों में सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे बन गए हैं, बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, और लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। पहले फंदों को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे चार लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे अपनी इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जब आप इन चार लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।